महंगाई बहुत ज्यादा है जी, पैसे ही नहीं है। जो पैसे पहले थे जो बैंकन में, वो भी बैंक अकाउंट वो भी खाली हो गए। जो अच्छा काम करेगी जनता के लिए, जनता उसी को वोट देगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, समय पे तो सभी सांसद आते, कोई काम नहीं हुआ। धड़ाधड़ किया है, ये देखो रोड देख रहे हो क्या, गोंडू गोंडू पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। कोई काम नहीं है यहाँ, कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आज हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली में और जनता से जानना चाहते हैं कि मुद्दे क्या हैं। आज जो मतदान हो रहे दिल्ली की सातों सीटों पर, मुद्दे क्या देखकर मतदान किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देश की तरक्की, देश का डेवलपमेंट मेन चीज वही है, क्योंकि और कोई लीडर हमारे, मेरे ख्याल से तो और कोई लीडर है नहीं जो लीडर बनने के लिए खड़ा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। हाँ। राहुल गांधी, उसे तो पप्पू कहते हैं, वो उसकी हरकत ही पप्पू वाली है। हाँ। उसके बस की है नहीं ना उसे भाषण देना आता। थोड़ा सा काटूंगी आपको, आप कह रहे देश की तरक्की के लिए और कोई मुद्दा नहीं है, मेरे सामने नाला बहता हुआ दिख रहा है, क्या तरक्की दिख रही है आपको विधानसभा के लिए? ये तो विधानसभा का काम हो गया ना फिर, ये हर जगह की दिक्कत है। आप पूरे इंडिया में जाओगे, पूरे इंडिया में ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी ना, लोकल में ये आपको केवल लोकल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़े इलाकों में यहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स पेयर मिलेंगे, वहाँ आपको नहीं लगेगा। आप लोधी गार्डन इंडिया की तरफ जाओगे, वहाँ पे आपको एक भी सीवर, एक भी स्ट्रीट लाइन पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे टैक्स पेयर ज़्यादा है। यहाँ पे टैक्स पेयर कोई है नहीं, तो यहाँ पे तरक्की का काम कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर आप लोकल में जाओगे, पार्क में जाओगे, आप किसी पार्क में जाओगे, यहाँ पर आपको तरक्की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर नहीं है। आप वहीं आप लोधी गार्डन जाओगे, वहाँ पे आपको लोधी गार्डन में इतनी बढ़िया सुविधा मिलेगी, वहाँ की सड़कें साफ मिलेगी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट, जगह जगह पे सीसीटीवी, यहाँ पे सीसीटीवी नाम के लगे हुए काम करते नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर है नहीं। वही तो सवाल, आपने कहा देश की तरक्की जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, मान लो विधानसभा में नहीं हो रहा, लोकसभा क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी को इसलिए जिताना है क्योंकि पहली बात, मोदी जो है वो देश को, हमारे देश को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शो कर रहा है कि हाँ अपना इंडिया किसे कम नहीं है। अगर आप पिछले चुनाव में देखो 2014 से पहले मोदी की सरकार से पहले, तो 70 साल में देश का जो नाम डुबाया है कांग्रेस सरकार ने, वो मेरे ख्याल से और कोई सरकार नहीं डुबा सकती। और जहाँ तक बात करें केजरीवाल की, तो वो तो 2000 अगर उसका पहले का इंटरव्यू देखोगे, वो पहले केजरीवाल को चोर बोल रहा था, फिर उसके बाद उसने मोदी को चोर बताया, और अब वो कह रहा है मैं केजरीवाल से कभी हाथ नहीं मिला उससे। देश का जो है बेड़ा गर्क अब हो रहा है, जगहसाई हो रही है दुनिया। आप देखे जीडीपी हमारी बड़ी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बड़ी है हमारी, ठीक है। अब ऐसे में अगर उसे लगता है कि देश का अगर बेड़ा गर्क हुआ है, तो उसका आपसे लगन दो, वो तो पप्पू है ही किंग, राहुल गांधी तो पप्पू है ही। केजरीवाल अभी परसों यहाँ पे आया था, मुझे लगता अगर वो जो बंदा ऐसे लोग से हाथ मिला रहा जो कह रहा है कि भारत के टुकड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे बंदे से। यहाँ पर सांसद जी कभी दिखाई ही नहीं दिए 10 सालों में, मनोज तिवारी जी अभी दिखाई दिया। मैं किसने कह दिया अभी, एक हफ्ते पहले तो उनसे मिल के आए हैं, अभी जब यहाँ पे भागवत चुनाव आया है तो प्रचार करने आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी कौन सा आते? केजरीवाल जी को मैंने यहाँ पे आज से पहले मेरे ख्याल से पिछले चुनाव में देखा था, तीसरे पुस्ते बाहर रखे थे वो, तब भी उन्होंने कुछ नहीं करा। और उसका दिल्ली में जो है बिजली पानी ये सब कुछ फ्री मिल रहा है, जनता जो है खुशहाल है। केजरीवाल 1700 का बिल आया हमारे घर का, 1700 का, जिस सिर्फ दो कमरे हैं, एक कूलर चलता है, एक पंखा चलता है, बस 1700 का बिल। बिल है आपके पास? बिल अभी नहीं है, पर मैं मंगा सकता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ, तो ओनर के जो है ओनर के पास है, सबूत दिखाना पड़ता है ना। मंगाने को मैं मंगा दूंगा अगर आप कहोगे तो। क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार सबसे ज्यादा? इसके बारे में अपनों को कुछ नहीं पता, खाली वोट डाला है। हाँ, वोट डाला है। क्या सोच कर डाला है वोट? देश समाज सही चले। महंगाई है कि नहीं ये बताइए? जो महंगाई, मुझे महंगाई दिखती नहीं, पहले जो पहले थी महंगाई वही अब है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है देखते हुए नहीं है। सिलेंडर विलेंडर के कोई महंगाई नहीं है? नहीं, उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। क्या कहते हैं? विकास, हमने विकास विकास के उसे वोट करी है जी, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं, हमने विकास जो विकास हुआ देश में उसके उसे वोट करा हमने। तो वही तो फिर मैं कह रही हूँ कि देखिए ना, नाला बह रहा है कैसे। 800 हम किराएदार हैं, हमारा बिल और ज्यादा, 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं हमें क्या फायदा है? 8 रुपये यूनिट दे रहा है किराएदार दिल्ली में, क्या फायदा हमें? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। विकास हो रहा है, विकास हो रहा देश का। ये इसके बारे में आप तो कोई बम भी नहीं गिरते, यहाँ बम नहीं गिरता। शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य का भारत से, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। स्वास्थ्य फ्री में जो है सेवाएं मिल रही हैं, सब सब मिल रहा, शिक्षा मिल रहा, सब मिल रही।
कहाँ पे, मतलब जरा सा बताइए थोड़ा सा क्या कुछ मिल रहा है, क्या क्या बताना हमें तो सब कुछ, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे हमें सब मिला। केजरीवाल तो कह रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने दिया है, हॉस्पिटल में इलाज फ्री, शिक्षा बढ़िया, ये सब कुछ तो केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिया। अच्छा वो हम तो उसको नहीं बताएंगे, लेकिन हमने जो करना था वो कर दिया, ठीक है। देश जो देश का विकास के विकास को लेकर जो है वोट कर रहे हैं, विकास हुआ क्या है ये पता नहीं है किसी को भी, यही बड़ी बात है। वोट डाले अम्मा? हाँ जी वोट के लिए। क्या कहेंगे, महंगाई मुद्दा है कि नहीं वोट करने के लिए? हाँ जी महंगाई मुद्दा था, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है जी, महंगाई को ध्यान में रखते हुए वोट किया? नहीं जी, हमने तो घेर दी जिस पर गिरनी थी, घेर दी जी। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, आ जाइए इधर। महंगाई भी है जी, महंगाई है। कितनी महंगाई है? महंगाई जी बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। पहले से ज्यादा हो गई? हाँ घनी है, पहले से ज्यादा है। मतलब असर कितना पड़ रहा है जेब पर, थाली में कितना का पैसा ही ना है इंसान के पास, पैसे ही नहीं है। जो पैसे पहले थे जो बैंक में, वो भी बैंक अकाउंट वो भी खाली हो गए, बैंक भी खाली हो गए। और क्या, बैंक भी खाली हो गए। सरकार नहीं दे रही पैसा? सरकार नहीं दे रही पैसा। बताइए महंगाई ज्यादा हो गई, सिलेंडर का रुपए ले रहे हैं? सिलेंडर ले रहे हैं 800 रुपया को जी, 800 रुपया को। बाकी सामान जो है आटा सरसों तेल होती है, महंगाई है आटा, 30 रुपया किलो, 35 रुपया किलो आटा है जी। आटा हो गया। आटा सरसों तेल कितना हो रहा है? सरसों का तेल कई रुपए आता है? सरसों का तेल 130-140 ऐसा है। बड़ी महंगाई है, महिलाएं बता रही है रसोई पर इसका खासा असर पड़ा है। हाँ जी जेब पर पड़ा है, जेब पर पड़ा है जी। हाँ महंगाई जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई है नहीं, महंगाई है कि नहीं इस बार मुद्दा? महंगाई है, कोई कह रहे महंगाई तो है ही नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर जो है चुनाव आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं वोट डालने के? वोट का मुद्दा क्या रहेगा, जो प्रधानमंत्री बना वही बनेगा, वही बनेगा। महंगाई है कि नहीं, आज से थोड़ा सा सवाल जवाब का सरकार आएगा, महंगाई रहे करेगा, महंगाई रहे करेगा। क्या ज्यादा महंगाई है, उनको ठहरा हुआ नहीं जा रहा, ठीक है। क्या कहेंगे, महंगाई है कि नहीं? हाँ महंगाई तो है, मेरे को वोट जाने दो, अभी हमने दिया नहीं है। तो यहाँ पर जो है महंगाई मुद्दा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो है ये विकास की बात कर रहे हैं और भारत की विकास ये दिखा रहा है। ये नाला जो है इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का कितना विकास हो रहा है, जिस विकास की बात की जाती है उन विकास में ये एक भी एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, इनसे मुद्दे जानने की। सर वोट डाल दिया आपने? अभी डाल के आए। डाल के क्या है मुद्दे, महंगाई मुद्दा है कि नहीं इस बार? मुद्दा है, बीजेपी का है। बीजेपी का मुद्दा, क्या मुद्दा है, मतलब बीजेपी खुद ही एक मुद्दा है क्या? नहीं क्या? जो अच्छा काम करेगी जनता के लिए, जनता उसी को वोट देगी। कौन अच्छा काम किया हमारे लिए? तो बीजेपी कर रही है। लोग कह रहे कभी सांसद ही दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई क्यों नहीं देते, जब आते हैं तो सबको दिखते हैं। केजरीवाल कह रहा है पानी बिजली फ्री कर दिया हमने, हॉस्पिटल फ्री किया हमने, ऐसा है अपनी वोटों के लिए। हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है, अस्पतालों में फ्री इलाज मिलता है। हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है। फ्री इलाज नहीं मिलता है क्या, गए हैं अफसर दिल्ली के अस्पतालों में? नहीं दवा तो मिलती है, जो भी है ये काम तो है केजरीवाल ने किया है। हाँ केजरीवाल ने किया है। बता रहे हैं कि केजरीवाल ने जो है दवाइयां और स्वास्थ्य के लिए जो है काम किया है। बड़ी जो है मिक्स वोटर हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस वक्त जो है दिल्ली में मौजूद 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आसार जो है वो बहुत ही एक तरफ का आसार लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि जो जनता है वो मिश्रित है और 4 जून को पता चलेगा क्या कुछ होना है। तमाम लोगों से बात किया और जान हर किसी का यही कहना है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कि विकास देखकर जो है वोट कर रहे हैं, विकास कहाँ है वो जो है दिखाई नहीं देता भारत में, और नाला नालियाँ जो देख सकते हैं आप उसमें जो है विकास आपको खासा दिख जाएगा। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? यहाँ के मुद्दे मैडम यही है, काम कोई नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। अरे इधर तो कह रहे हैं एकदम मनोज तिवारी ने धड़ाधड़ काम किया है।
धड़ाधड़ किया है, ये देखो रोड देख रहे हो आप, कोई काम नहीं हुआ है। सांसद जी रोज लोग से मिलने आते हैं, अब सांसद जी आएंगे कुछ कराएंगे जब देखेंगे, समय पे तो सभी सांसद आते हैं। काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई तो देखो, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे तो हम नहीं जाते कि क्या है, कि हमारे बुनने से कुछ नहीं होता। हम तो रोड देखते हैं कि गोंडू गोंडू पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। कोई काम नहीं है यहाँ मैडम, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लोग कह रहे महंगाई भी नहीं है ज्यादा। महंगाई क्या है, कमा रहे हैं खा रहे हैं सभी। रोजगार है? रोजगार है, खूब रोजगार है। हाँ रोजगार है। अरे कह रहे हैं पढ़े लिखे जो है युवा बेकार पड़ा है, छोटे छोटे से बच्चे, अब आप, आपको भी रोजगार मिला हुआ है, बेरोजगार तो है नहीं, आप सभी हैं, हम भी हैं, हम कमा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। भर्ती कहाँ नहीं निकल रही है, जैसी पहले निकलती वो अब निकल रही है भर्ती। खाली सड़कों से दिक्कत है आप? हाँ सड़कों से दिक्कत है यहाँ, पानी भरता है, बहुत ज्यादा पानी भरता है मैडम यहाँ। काम नहीं हो रहा इधर? काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो भी अब की बार आएगा, चाहे कन्हैया आए चाहे मनोज तिवारी जी आए, इस एरिए में ध्यान दें अब की बार। कभी कहते हैं ये रोड चौड़ा हो जाएगा, गामड़ी रोड की बोलते हैं, 25 साल से सुन रहे हैं हम, अभी तक चौड़ा नहीं हुआ। चौड़ा नहीं होता तो इस रोड पे कोई काम भी नहीं होता, काम तो होना चाहिए ना। अब की बार बोला है मनोज तिवारी जी ने कि रोड चौड़ा हो जाएगा, देखते हैं अब की बार क्या होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जनता से जानने को मिल रहा है कि क्या कुछ जो है इनके मुद्दे हैं। मुद्दों में साफ दिखाई देता है कि बेरोजगारी, और चाहे देश में कितनी भी बेरोजगारी हो, जनता को पता ही नहीं है कि देश में बेरोजगारी जैसे हालात हैं। साफ कहते हैं कि जो काम करेगा उसके लिए रोजगार है, मतलब कचरा उठाने या किसी भी तरीके से जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो थोड़े बहुत 200-400 पैसे आते हैं उसको रोज़गार बना दिया गया है आजकल के ज़माने में। यही विडम्बना है इस वक्त की। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।